बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप नाइन्थ क्लास का जो है वो सिलेबस डिस्कस करने चाह रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचती रहे। जो ये क्लास वर्क और होमवर्क वाला इशू है, इसको आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लें कि होमवर्क क्लास वर्क वाला सिर्फ ये उन्होंने अपने जो स्मार्ट सिलेबस के डेज हैं उसके हिसाब से डिवीजन किया कि ये क्वेश्चन बच्चों के ऊपर डाल दें, वो करेंगे और बाकी क्लास में करवाए जाएंगे। तो ओवरऑल करना तो सारा ही है, तो इसलिए आपने क्लास वर्क होमवर्क के चक्कर में नहीं पढ़ना। आपने जो जो एक्सरसाइजेस दी हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन करते जाना। जैसे कि 1.1 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 का सी जी और एच पार्ट, ये देखें होमवर्क वाले और क्लास वर्क वाले, ये आपने मिक्सअप कर लेने। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सारे करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी और ई भी करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और ये सेकेंड पार्ट भी करना है। इसी तरह से 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और बी से एफ तक सारे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका बी सी और एफ, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और फोर्थ सिक्स्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 का टेंथ पार्ट, और उसके अलावा 6 से 9 तक, और क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सेकंड और सिक्स्थ पार्ट। फिर इसके बाद 1.4 एक्सरसाइज में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट, और इसके अलावा सेकंड से फोर्थ तक सारे, यानी कि ये सारे पार्ट्स हो गए 1 से 5 तक सारे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए डी और ई, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और फोर्थ, फिर उसके बाद 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 का भी सेकंड पार्ट, फिर 1.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और इधर से थर्ड और फोर्थ पार्ट, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और फिर उसके बाद 1.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, और रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3 करना है, 5, 7 का सिर्फ सेकेंड पार्ट करना है। इस तरह से चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 2 को अगर आप देखें तो इसमें भी इसी तरह की खिचड़ी पकी हुई है, क्लास वर्क होमवर्क, क्लास वर्क होमवर्क। तो इसमें भी आप जो है वो क्लास वर्क वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें देख लें। 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड, इधर देखें फिर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, फोर्थ और सिक्स पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और थर्ड और फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड और थर्ड पार्ट। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सॉरी 2.3 एक्सरसाइज, 2.2 नहीं है, 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और थर्ड पार्ट, फिर 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट, फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज 2.5 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो हमने थर्ड पार्ट भी करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फिर 2.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट करना है और सिक्स्थ पार्ट भी करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और सिक्स्थ पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है, और रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और फोर्थ पार्ट करना है, और साथ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है।
इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 3 है लॉगरिथम्स का, इसमें से हमने करना है एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और फोर्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ये 3.2 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी करना है। फिर 3.3 एक्सरसाइज में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, सॉरी फर्स्ट का थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। अच्छा, इसमें अब अंडरस्टूड है कि लॉगरिथम के लॉज करना ही करने हैं, ये नहीं कि इसमें लिखा नहीं तो आपने नहीं करना, और डेफिनेशंस के बारे में नहीं लिखा तो वो भी नहीं करनी। हर चैप्टर की डेफिनेशंस भी मस्ट हैं, और जो और कोई उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी है। अच्छा, एक्सरसाइज 3.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और एट्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 और इसके अलावा 3.4 एक्सरसाइज में बस यही क्वेश्चन है। उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट, 5 का सेकंड पार्ट और 6 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है फोर्थ चैप्टर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अलजेब्राइक फॉर्मूली, इसमें 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट थर्ड और सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पार्ट। फिर 4.2 एक्सरसाइज में हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 11, 13 और 14। फिर इसके बाद 14 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स करने हैं। फिर जो 4.3 एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ और सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, और जो 4.4 एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सिक्स और सेवन्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सेवन्थ और एट्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। और जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद जी जो चैप्टर नंबर 5 है फैक्टराइजेशन वाला, इसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट। फिर 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट। फिर 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। फिर 5.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 8 करना है, और जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है और 3 का सेकंड फिफ्थ और नाइन्थ पार्ट करना है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, इसमें 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 11 है और क्वेश्चन नंबर 4 6 भी है, और 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ पार्ट,
क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर सिक्स में क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेवन। इसके बाद जी जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर सेवन है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, इसमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स नाइन्थ और टेंथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट फिफ्थ सेकंड और एट्थ पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 है इसमें क्वेश्चन नंबर वन नहीं करना, टू का हमने करना है थर्ड फिफ्थ सेवन्थ और एट्थ पार्ट। फिर 7.3 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट। और रिव्यू एक्सरसाइज में सॉरी 7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड और फोर्थ पार्ट है और क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड और फोर्थ पार्ट है, और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसके बाद जो चैप्टर नंबर एट है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर है, तो इसमें लिखा तो काफी सारा हुआ है लेकिन मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ कि जो 8.1 एक्सरसाइज है उसमें जो कुछ है वो सिर्फ कर लें तो वो आपके लिए काफी है, उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे, और इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज में से आप MCQs कर लें। ठीक है जी, इस तरह से आपका ये 8 पॉइंट जो चैप्टर नंबर 8 है ना वो इस तरह से आपने कर लेना है। इसके बाद जो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 9 है इसमें जो 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कर लें, और 9.2 में से क्वेश्चन नंबर 10 काफी है सिर्फ, और 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इसके जो पार्ट्स दिए हुए हैं वो कर लें आप, और क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, 3 आपको करने की जरूरत नहीं है, वो पेपर में नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। और इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे शॉर्ट ही हैं, वो आप कर लें, और डेफिनेशंस इस चैप्टर की भी आपने सारी करनी है और 8 वाले की भी सारी करनी है, अंडरस्टूड है कि डेफिनेशंस करनी है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 10 है इसमें भी कुछ डेफिनेशंस हैं वो करने के अलावा रिव्यू एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 करने। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें डेफिनेशन तो ऐसा सच नहीं है लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने के बाद आप रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 कर पाएंगे, ये भी शॉर्ट आंसर है। ऊपर वाला जो चैप्टर 10 है वो भी शॉर्ट है, 9 वाला भी शॉर्ट है शॉर्ट आंसर्स के लिए। फिर चैप्टर नंबर 12 लाइन बाई सेक्टर्स एंड एंगल बाई सेक्टर, ये चैप्टर 12 एम थ्योरम्स वाला भी चैप्टर है, इसमें से आपने दो थ्योरम्स करने हैं 12.1 और 4, और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना, और इसमें भी डेफिनेशन जो है वो आपको साथ करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके बाद जो साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल है इसमें रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4, 5, इसमें भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके क्वेश्चंस कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर है ये भी, रेशियो प्रोपोर्शन में भी शॉर्ट आंसर ही आना है, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6 कर सकते हैं, और फिर पैथागोरस थ्योरम ये भी शॉर्ट आंसर्स के लिए है, इसमें भी डेफिनेशन जो होंगी वो करने के बाद एक्सरसाइज नंबर 15 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 करना। और जो यूनिट नंबर 16 है इसमें से भी रिव्यू एक्सरसाइज में से हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, और साथ क्वेश्चन नंबर 3 करना। जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो 7.1 या 2 में से सिर्फ आता है, तो आपने इसमें से भी क्वेश्चंस वही करने हैं जो 17.1 या 17.2 वाले चैप्टर में से हैं, बाकियों में से आपको करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आपने वही क्वेश्चन मार्क करने हैं जो 17.1 और 17.2 में है, होमवर्क में हो या क्लास वर्क में हो, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, बाकी पेपर में आम आते ही नहीं है, मैंने नहीं कभी देखा कि इनमें से कोई क्वेश्चन आया। ठीक है बेटा, बाकी भी सिलेबस आप जो है वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।